हेलो एवरीवन, अभी जो ये कार्ड्स पर आप देख रहे हैं, ये है आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, दिन भर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या है उनकी प्रेजेंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो क्या उनके डिसीजंस हैं, आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों का लिंक हमने नीचे डाला हुआ है, आप और रीडिंग्स में नीचे जाकर सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज जो रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ कि कल सारा दिन वो किस फीलिंग में रहे आपके पर्सन, ठीक है? चलिए देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग को। जब मैं इन कार्ड्स को शफल करूंगी, आप अपने पर्सन का इमेज दिमाग में रखते हुए उनका नाम 3 बार रिपीट करते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट करे। जिसके साथ जितनी रेजोनेट करे उतने रखिए, बाकी का सेक्शन छोड़ दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, किसी का पर्सनल नाम यहाँ पर नहीं लिया जाता है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही इसको देखेगा, ठीक है? चलिए, जो रीडिंग मैं आज अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्या है इनके पर्सन की फीलिंग्स इनको लेकर, कल सुबह वो किस फीलिंग में थे, वो क्या सोच रहे थे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, कनेक्ट कीजिए कार्ड के साथ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप कार्ड्स के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट कार्ड मैं ले रही हूँ। ओह वाह, पहला ही कार्ड हैंगमैन का आ गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड 8 of Wands, फाइन, द फूल का कार्ड, ओके, 10 of Wands का कार्ड। चलिए इन कार्ड्स को पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है, फिर आगे की और कार्ड्स लेते हैं। आपकी जो ये पर्सन है ना, वो इस समय थोड़ा मुझे गुस्सा लग रहे हैं, नाराज जैसे लग रहे हैं। आपकी जो पर्सन है उनकी जो एनर्जीज़ है ना, वो कुछ मुझे यहाँ पे ब्लॉक आ रही है ना, कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं उनकी। एंड वो काफ़ी कुछ डीप थिंकिंग, इमोशंस में बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे सेक्रीफाइस टाइप में मुझे यहाँ क्यों लग रहे हैं, मतलब बहुत मतलब उनको लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी है कुछ, तो इस तरह की यहाँ पे फीलिंग मुझे आ रही है, इस तरह की रीडिंग यहाँ पर आ रही है। पास्ट में आप लोगों का जो रिलेशनशिप था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ये रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं क्या, लेकिन क्या है ना, देखो जो आपका रिलेशनशिप जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों या तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे या फिर कुछ किसी तो मीडियम के थ्रू आप दोनों मिले हो, और जो ये रिलेशनशिप था ना धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग नज़दीक आए हो, प्यार बढ़ा है एक दूसरे के लिए। ये पास्ट बता रही हूँ मैं, ये आपके नेबर हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर आप इनको आपके साथ कहीं काम कर रहे हैं। वॉन्ट्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, तो आपके करियर में मुझे ये साथ में दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप मिले हो सकते हो, इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो बेसिकली क्या है ना, ये देखो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, है ना, आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। उनका जो बिहेवियर है ना, वो आपको चेंज लग रहा है, वो बदला हुआ ज़रूर है, कुछ ना कुछ चेंज है उनके बिहेवियर में। अभी वो खुद को ही ढूंढ रहे हैं, अपने में ही खोए हुए हैं, अपने मतलब खुद को उल्टा हुआ लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी दुनिया उनके लिए उल्टी हो गई है, सब इतना अच्छा चल रहा था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ उल्टा हो गया है। इतना प्यार, इतना रिलेशनशिप अच्छा, इतनी फीलिंग्स, इतना सब कुछ था, उनका माइंड अभी ना स्टक हो गया है, राइट, है ना। एंड जो मतलब बहुत खुश रहने वाले इंसान है ये, अगर इनको आप देखोगे ना, तो ये आपको फिलहाल अभी आपको ये ऊपर से बहुत खुश लगेंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये इस चीज़ का बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं, है ना।
जो भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आया है ना, ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये क्यों, ये एनर्जी क्यों आ रही है ना, मैं इसको आगे कार्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी, देखते हैं आगे कार्ड्स क्या आ रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं लग रहे हैं मुझे, है ना। ये ना आपके सामने भी नहीं आना चाहते हैं, आपसे मुंह फेर के चले जाते हैं, चले गए हैं। एंड देखते हैं मैं आगे क्या आ रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है मेरे मुझे, है ना। ही इज़ अ नाइस पर्सन, लेकिन क्या हुआ है ऐसा, चलो देख लेते हैं। कुछ तो इनसे इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो कि कुछ क्रेजी टाइप हुई है, कुछ इस तरह का क्रेजी बिहेवियर या कुछ, चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। प्लीज डिवाइन और मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या आप दोनों के बीच में? ये मुझे इसीलिए शायद इस एनर्जी में यहाँ पर इसलिए ही लग रहा है। इनकी लाइफ में कोई और आई है क्या, कुछ और ऐसा इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है क्या, जिसकी वजह से आपके इमोशंस भी डाउन है और ये भी अपने को एक स्टक पोजीशन में इनको फील हो रहा है कि ये किसी ने कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं कि ये इनको ये आपके साथ का रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और बताइए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो आई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग अलग हो गए हो, ये तो कंफर्म हो गया है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है। अभी ये रिलेशन उसी ने ब्रेक किया है, ठीक है, एंड उस इनको क्या कैसे बोल सकते हैं, इनको अपने काबू में किया हुआ है उसने, अपने अपने वश में करके आपके खिलाफ भड़काने का काम कर दिया है या कर रहा है, जो भी आपके पर्सन है उनको रखते हुए सोच देखेगा। आपके पर्सन आपको लेकर डिसीजन भी लेने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आप भी बहुत परेशान हो, आपसे जो कभी, मतलब अभी जो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, ये बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ने उनको रोका हुआ है। आपके ऊपर ना उनका ट्रस्ट ख़त्म करती जा रही है, ये इतना उस कान भर रही है आपके ऊपर, ये ट्रस्ट ही ख़त्म करती जा रही है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। देखो यहाँ पर जो ये इंसान है ना, जो आपके ये थर्ड पर्सन है, आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग था और आप से उन्होंने शादी का या आगे जाने का या रिलेशनशिप का या आपके साथ आके बॉन्ड बढ़ाने का उन्होंने आपसे वादा किया था, पर निभाया नहीं है, ठीक है, उन्होंने वो विश्वास रखा ही नहीं। आप सब कुछ भूल जाना चाहते हो, ठीक है, बट कर नहीं पा रहे हो, ये मुझे साफ एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आप बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, इतना आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, सैड हो, अपनी चीज़ों को छोड़कर बैठे हो, सब कुछ ख़त्म करके आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इतना इतना कुछ शायद आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं कि आप इसका मुंह भी नहीं देखना चाह रहे हो अब, ठीक है। अब और देखते हैं क्या फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पर। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी आई है ना, इसने आपके जो रिलेशनशिप की जो ऐसी तैसी की है, आप दोनों को इतना उसने दुख तकलीफ दिया है ना, ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गई है, आपको दिख गई है, ठीक है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके खिलाफ इतना ज़्यादा इस इंसान को भड़काया है। देखो ये मेरे को, अब मैं आपको बताऊँ, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है या तो ये आपको जानती है या जानता है, आप लोगों के साथ का ही है ये कोई इंसान, जिसको आपके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स पता है, लेकिन ये जो आपके पर्सन है ना, ये थोड़े मतलब इनोसेंट टाइप लग रहे हैं मुझे, तो इसने इतना भड़का दिया है इसको, इतना ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिविटी इसके दिमाग में भर दी है, आपके पर्सन के दिमाग में। ऑल दो ये देखो काफ़ी केयरिंग पर्सन थे ये आपके पर्सन, है ना, एंड आपके बारे में सोच भी रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं बैठे बैठे, स्ट्रेस में हैं अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, पर अचानक ये सब होने की वजह से ये सब उनको ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वो परेशान है इस टाइम, ठीक है। एंड ये चीज़ें जो दिख रही है ना, ये देखो थोड़ा सा मुझे भी परेशान कर रही हैं,
क्योंकि लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड लास्ट कार्ड आया है, ठीक है। तो अब इसको मैं सम कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखो अभी आप अपने को, वो भी अपने को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप ये किस चंगुल में फंस गए हो, ये किसके बीच में फंस गए हो, ये कौन आ गया है जिसने आपको, आपके सब सब इमोशंस, आपके सब डिसीजन, सब कुछ आप इसने ख़त्म कर दिया है। तो आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पेन में हैं आप दोनों बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने इतना ज़्यादा उनको बांध के रखा हुआ है अपने पर्सन को कि उनकी फीलिंग्स ही मतलब डैमेज कर दी है उसने, ख़त्म कर दी है। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है उनका प्यार आपके लिए। प्यार वो आपको ही कर रहे हैं, लेकिन इसने जो ब्रेन वॉश किया है ना थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का, उसी के चलते ये अभी आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं आ पा रहे हैं, है ना। आपके साथ फ्यूचर बिताने के लिए वो सोच रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी, इस पर्सन, थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, इनके साथ आप लोगों का कोई फ्रेंड हो सकती है, कॉमन फ्रेंड हो सकती है, या इनके कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, या इनकी कोई सिचुएशन इस तरह की हो सकती है, या फिर इनके इनके घर में से कोई इंसान हो सकता है जो इसको आपके आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रहा है, बिल्कुल मना कर दिया है उसने, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है। अब ये आप देखें कि ये कौन इंसान है, थर्ड पर्सन ये कौन है। ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन मैं बोलूँ कि कोई गर्लफ्रेंड ही है या कोई बॉयफ्रेंड ही है। थर्ड पर्सन कैन बी एनीवन, राइट, जिसने उसकी प्यार की फीलिंग को, सब इमोशंस की फीलिंग की ऐसी तैसी लगा के रखी हुई है, मतलब आने ही नहीं दे रही है वो उनको आपके पास। तो ये देखो, ये सिचुएशन थोड़ा सा स्टक लग रहा है मेरे को, राइट। एंड आप भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हो अभी, ओके। अब मैं सिर्फ एक कार्ड में निकालूंगी कि क्या आगे कुछ है। ओके, फाइन। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेंगे, ठीक है, डिसीजन ले रहे हैं वो। और क्योंकि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड बहुत ज़्यादा अपने को आपके आपके बिना स्टक, अकेला फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो वो देखो डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी का मुंह बंद करेंगे, किसी भी तरीके से इसको यहाँ से सेटल करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन है, देखो मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए आप सिर्फ उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उसमें ही मत समझिएगा। ये चीज़ों को सॉल्व करके मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपना मैच्योरिटी को यूज कर रहे हैं और ये डिसीजन अच्छा ही ले रहे हैं आपकी तरफ आने का, राइट। इमोशंस को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है इन्होंने एंड ये निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं बिल्कुल आपके पास। या तो मैसेज आ जाएगा कोई, या फिर कॉल आएगा इनका, या फिर किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ये आपके पास अपने इमोशंस ज़रूर पहुंचाएंगे। एंड ये भी चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आप भी चाहते हैं इनके साथ आगे बढ़ना। एंड देखिए कई बार होती हैं सिचुएशंस, तो वट एवर इज़ द सिचुएशन, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो, आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ये रीडिंग थोड़ा सा नेगेटिविटी दे रही है मुझे, बट स्टिल जो ये मुझे लास्ट का कार्ड आया है, इनका एक्शन प्लान होता हुआ जो मुझे आया है, ये थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है मुझे कि ये सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए, इस थर्ड पर्सन को हैंडल करते हुए ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नेगेटिविटी को अपने दिमाग से, अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।